नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ किचन की कुछ ऐसी अनोखी टिप्स जो ना आपने कभी कहीं देखी होगी ना कभी कहीं सुनी होगी। ये किचन टिप्स आपकी किचन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। ये किचन टिप्स आपके किचन में आपका समय भी बचाएगी और आपका पैसा भी बचाएगी। तो आप ये सारी किचन टिप्स देखने के लिए सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मेरी किचन टिप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज की टिप है पतीले को लेकर। अक्सर हमारे घर में दूध गर्म करते वक्त या खाना बनाते वक्त हमारे जो पतीले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बेहद ही आसान सी टिप देने वाली हूँ। आप कर लीजिए गैस को ऑन और पतीले को रख दीजिए गैस पर और साथ ही उसमें ऐड कर दीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक। मैंने कोका कोला ले ली है और इसमें ऐड करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे बुलबुले बन रहे हैं। जैसे जैसे बुलबुले इसमें बन रहे हैं आप देखोगे कि जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे जितने भी इस पतीले में कालिक है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। मैंने सारा का सारा जो कोल्ड ड्रिंक है उसको गर्म कर लिया है अच्छे से और उसको हिलाना शुरू कर दिया है ताकि साइड में जो लगा हुआ है गंदा वो सारा का सारा निकल जाए। अब मैंने ले लिया है एक दूसरा पतीला, क्योंकि ये दूसरा पतीला भी ख़राब था तो मैंने इसमें ये पानी ऐड कर दिया है। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक स्क्रबर। आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो कालक था वो पूरा निकल चुका है। अब बाकी बचा हुआ है मैंने दूसरी साइड से स्क्रबर को अच्छे से घिसना शुरू कर दिया है। आप देखोगे कि कितनी जल्दी सारा का सारा जो कालापन है वो निकल जाएगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये सारी की सारी जो गंदगी है वो निकल गई है और पतीला पूरा का पूरा नया जैसा हो गया है। आप भी अपने घर में इसी तरीके से अपने पतीले को चमका सकते हैं, अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसे वॉश करके भी दिखाती हूँ। वैसे आपको ये टिप कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी ये टिप है पालक को लेकर। अक्सर हम मार्केट से पालक ज़्यादा ले आते हैं जिसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पालक जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है बेहद जल्दी। आप कट कर लीजिए पालक को और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में उसको अच्छे से ऐड कर दीजिए। आप इसके बाद इस पे ढक्कन लगा दीजिए और आप देखोगे कि आपकी जो वेजिटेबल है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया है। दूसरी तरफ मैंने अब लिया है गाजर को। गाजर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसके बाद मैंने ले ली है गोभी भी। गोभी को भी मैंने एक साथ कट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। और इसके बाद ये सारे जो सब्जी और ली है मैंने इसको मैंने दूसरे एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। अब मैं इसको भी ढक्कन लगा दूंगी और अपने फ्रिज में रख दूंगी। आप देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। मेरी अगली टिप है वाटरमेलन को लेकर। अक्सर हम मार्केट से वाटरमेलन बड़ा ले आते हैं जिसके बाद आधा खा नहीं पाते, जिसके बाद वो उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसे साफ रखने के लिए और ख़राब ना हो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप देती हूँ। आप ले लीजिए क्लीन फिल्म और इसको अच्छे से रैप कर दीजिए अपने वाटरमेलन पर और इसके बाद इसको भी फ्रिज में रख दीजिए। ऐसा करने से आपका जो वाटरमेलन है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। मेरी अगली टिप है मसाले दानी को लेकर। अक्सर आप देखते हैं कि कैसे हमारे घर में रखे जो मसाले हैं उनमें गांठें बनना शुरू हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको आसान सी टिप देती हूँ। आप ले लीजिए थोड़ा सा नमक और जितने भी मसाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दीजिए और इसके बाद अपने मसालों को अच्छे से घुमा दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके मसालों में
एक तो कीड़ा नहीं लगेगा, दूसरा आपके मसालों में सीलन भी नहीं आएगी, और तीसरा आपके जो मसाले हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। तो आपको ये मेरी टिप कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है बॉक्स को लेकर। अक्सर मार्केट से हम कुछ सामान लाते हैं और उसके बाद हम स्टिकर हटाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टिकर आधा अधूरा फट जाता है, जिसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि आधा अधूरा स्टिकर काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, ये पूरा स्टिकर नहीं हटा है इसीलिए। अब पूरा स्टिकर कैसे हटाएं, इसके लिए मैं आपको बेहद ही आसान सी टिप देती हूँ। आप ले लीजिए कोई भी घर पे रखा ऑयल, किचन में ऑयल सबके होता है, तो आप बस उसी ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए और उस ऑयल को डाल दीजिए जहाँ पे आपके स्टिकर लगे हुए हैं। और इसके बाद आप ले लीजिए कोई भी स्क्रबर, और स्क्रबर की मदद से इसको अच्छे से घिसना शुरू कर दीजिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है, मैंने भी स्क्रबर को अच्छे से घिसना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ मुझे स्टिकर नज़र आ रहे हैं मैंने वहाँ वहाँ से इसको घिसना शुरू कर दिया है। आप एक दो मिनट इसको अच्छे से घिसोगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ कि मैंने सिर्फ एक दो मिनट ही इसको अच्छे से घिसा है, या यूँ कहें कि लगभग आधा मिनट मैंने घिसा होगा, और जो स्टिकर है वो धीरे धीरे करके सारा का सारा निकल गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा तरीका है अपने स्टिकर को हटाने का। तो दोस्तों, आपको ये टिप कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप्स की तरफ। मेरी अगली टिप है तेज पत्ते को लेकर। तेज पत्ते को आप गैस पे रख दीजिए और रखने के बाद इसको जलाना शुरू कर दीजिए। इसको आधा अधूरा जला लीजिए। आप देखोगे कि इसको जलाने के बाद आपके किचन में जो मच्छर है, कॉकरोच वगैरह है, वो सारे के सारे चले जाएंगे जब इसका धुआं पूरे किचन में फैलेगा। आपको ये टिप कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है आटे को लेकर। जब भी आप अपने घर में आटा लगाएं तब आप उसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच के लगभग देसी घी। देसी घी ऐड करने से आपकी जो रोटियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। आटे में आप जब भी आटा गूंदे तब उसमें 1 चम्मच देसी घी ज़रूर ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी रोटी में भी फुलावट आएगी और घर वालों को भी आपकी जो रोटी का फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार लौटेंगे कुछ नए टिप्स के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।